चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो अब हमने तो देख लिया कि टीम कैसी खेल रही है, टीम कितना अच्छा खेल रहा है, बुरा खेल रहा है, बट अब देखेंगे जो स्क्वाड है, स्क्वाड में है कौन सबसे बड़ा परफॉर्मर और सबसे नीचे का परफॉर्मर। हम तो मैगवर को गाली दे देते हैं, बट एक्चुअल देखेंगे मैगवर डिजर्व दैट गाली और नॉट, ये डेटा बताएगा पोएटी स्केल से। सो ओवर टू यू भाई। वैसे मैगवायर की बातें तो कम ही होगी इसमें, क्योंकि डिफेंस में स्टैट ज़्यादा है नहीं रहता लेकिन हाँ शॉट्स, मतलब अब ये चलो अब स्टार्ट कर रहे थे, मतलब ये जो तो बाकी ब्लू ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं, मतलब ये सारे प्लेयर्स हैं, बस हम मैंने मार्क किया यूनाइटेड के प्लेयर्स को, ठीक है। तो ये और ये डेटा वही सेम है लीग वाला डेटा इस साल का प्रीमियर लीग का। तो ये है कि अब शॉट्स टेकन ज़्यादा हैं तो कितनी नॉन पेनल्टी एक्सी बढ़ेगी, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों ज़्यादा हो रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, सेम बाकी जितने आगे के भी मैंने दिखाऊंगा। अगर नीचे वाला आका एक्सेस भी ज़्यादा हो रहा है तो वाई एक्सेस भी ज़्यादा हो रहा है तो दिस दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर दोनों में से एक कम हो रहा है चलो डिसेंट थिंग, अगर दोनों कम हो रहा है तो आप यू नो तरह से। तो यहाँ पर यस, शॉर्ट्स टेकन में एंथनी एंड मार्कस एशवर्ड है, लीडिंग बट यू कैन सी कि मार्कस रैशफोर्ड का नॉन पेनल्टी एक्सी ज़्यादा है ना। यू कैन ये भी यस है कि भाई स्ट्राइकर भी खेल रहा है तो नॉन पेनल्टी एक्सी अच्छी या पोजिशन में आता है तो और टारगेट मैन है, हाँ मतलब दो प्ले मेन प्लेयर है हमारा, तो बॉल उसी को ही दिया जाता है, फीडिंग उसी को ही होती है, तो या तो डिसेंट नंबर है दोनों का। आप दो रिलायबल प्लेयर्स हैं आपके पास, लेकिन यहाँ पर आ जाती है लेफ्ट विंग के पास जेडन सैंचो, जो शॉट्स भी टेकन नहीं है एंड नॉन पेनल्टी फ्रेड के एक्सी का पीछे है भाई, कम, वो फ्रेड के पीछे फ्रेड के कैसे मेरे पीछे को आजू बाजू, फ्रेड के पीछे। एनपीएक्सजी में तो कम रहेगा कि फ्रेड नंबर सिक्स खेल रहा होता है मोस्टली, क्योंकि यस उसमें फ्रेड की पोजीशन उससे पीछे हो जाएगी, लेकिन ट्रू, विंगर आपसे शॉट ज़्यादा ले रहा है यस विच इज़ द होल थिंग भाई। या किसान जो कहाँ पे है, ये ही इज अ हाँ टैलेंट, और बहुत हाँ बीन अंडर फैन बोलते हैं एंड आई ये भी एग्री। है कि इंजर्ड भी हुआ था बीच में हाँ इंजर्ड भी वर्ल्ड हुआ कप था, वगैरह के बट बाद। स्टिल आप तो डेटा जब लेते हो नो उसी प्रोपोर्शनेट में ले रहे हो ना, ऐसा नहीं कि कम खेला तो कम जगह है, अपॉर्चुनिटी मिली है। हम मैं बोल ही रहा हूँ कि वो राशफोर्ड के आजू बाजू रहे या एंटनी के आजू बाजू रहे, एटलीस्ट ब्रूनो एरिक्सन के आजू बाजू रहना चाहिए था, जैसा माई यहाँ एक्सपेक्टेशन, तो रहना मिनिमम चाहिए एक्सपेक्टेशन। यस यही है मेरा नो ओपिनियन बाय द वे, ए गुड डेटा बाय द वे, बहुत ही अच्छा हमने यहाँ अब पे यहाँ पर देखा। आते हैं और शॉर्ट शॉर्ट्स एंड टारगेट। अच्छा पीछे देखना है आपको, ये तो शॉर्ट्स बता दिए मैंने। अब शॉर्ट्स एंड टारगेट में कितने नॉन पेनल्टी आएगी तो अगेन यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड आ गए क्योंकि सेम पोजीशन ज्यादा है, क्लियर तो विनर आपके दो रिलायबल प्लेयर तो अगेन, मिलेंगे। सेम सीन सेम सीन, सेम सीन है, या सेम एरिक्सन जो सीन, कम खेला है उससे सेंसो से वो भी या बराबर डीप है। लाइंग प्लेमेकर है एरिक्सन यार, एंड ही हाँ इज अ और शॉर्ट एंड विंगर मैन, टारगेट दे रहा है तो बात आ ही बैकपास जाती करता है है यहाँ सांचो पर। यार, सांचो बैकपास हाँ करता है, कभी टेक ऑन नहीं करता है, ही इज इन एज, ही इज नॉट 30 इयर्स एज गाय, राइट। सांचो इज ए ट्वेंटी बिल्कुल फाइव ईयर एज गाय, ही शुड टेक ऑन द डिफेंडर, राइट। तुम टेक ऑन नहीं करते हो, सडनली स्लो डाउन करते हो और बैक पास करते हो, दैट सेज इट ऑल, यू आर नॉट अ मैनचेस्टर यूनाइटेड विंगर, सॉरी बॉस। नाउ प्रोग्रेसिव डिस्टेंस ऑफ पासेस और प्रोग्रेसिव पासेस में हम ये देखेंगे कि इससे हम थोड़ा मिडफील्डर के बारे में पता चलेगा कि अगर ये एरिक्सन डिस्टेंस ही बढ़ रहा है तो अगर ये भी बढ़ रहे हैं तो आपके मिडफील्डर कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्रिश्चियन ट्रू, एरिक्सन देखो यस, देखा जाए पासिस नेक टू सबसे ज्यादा नेक, इसके डीप लाइन प्ले में होता नेक टू नेक, है, लिसैंड्रो मार्टिनेज के भी यूज होते हैं या इधर में क्या हो रहा बीइंग अ डिफेंडर है। ही इज ऑलमोस्ट नियर टू सांचो एंड एंटोनी, लुक्स हैज बीन डिसेंट, आई एग्री ऑन द अटैकिंग फ्रंट ही हैज बीन डिसेंट, वे हाइड भाई वे हाइड। अगर प्रोग्रेसिव पासिंग में तो चलो ठीक है नीचे है जीने जीने सांचो के क्योंकि वो एकदम फ्रंट लाइन पे खेल रहा है, लेकिन डिस्टेंस देखो कितना कवर कर रहा है ना, बैक से कितना बिल्डअप कर रहा है, ये भाई प्लस चल रहा है। ये विक्टर लिंडलॉफ लुक शॉ काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके ये डिफेंडर्स बैक से बिल्डअप करने में, लंबे लंबे पास खिलाने में, विंगर्स को स्विच करने को वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये देखो क्रिश्चियन एरिक्सन जो खासकर मैं इसकी बात करना चाहूँगा क्रिश्चियन एरिक्सन की, अगर ये रहता मतलब इंजर्ड ना होता इंजरी फ्री तो रहता, ये भी शायद यहाँ यहाँ पर आ रहा हो। और हम टॉप थ्री में होते, और मैं गारंटीड बोल देता हूँ, बहुत से लूज पॉइंट किए ना हमने, शायद हमने नहीं किए होते, हम टॉप थ्री में होते अभी, वाइटल आई था भाई एग्री, बहुत, ये बहुत बहुत वाइटल है। वाइटल था। और जो एरिटन है पेप की सिस्टम में, एक डीप लाइंग प्लेमर का रोल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें चेल्सी में कहीं ना कहीं एंजो वो दिखा नहीं, दिखेगा बाद में,
बट डिप लाइन क्लाइमर का रोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। साथ में कोई मिला नहीं ना उसको एंजो के साथ, थोड़ी कम का। खैर ये हाँ जो जो जितने ही दिखाए पर 90 स्टैट्स हैं, मतलब पर 90 से हम एक डिसेंट मेजर बना पाते हैं। 90 जल्दी बता दूं कि जैसे ये प्रोग्रेसिव पासिस के पूरे सीजन के होते लेट से 200 और इसने खेला 2500 मिनट्स, तो 25 तो 200 सीधे सीधे बता दूं पर 90 क्या होता है, 200 × 90 डिवाइड बाई 2500, तो जो नंबर आएगा वो एक होता है कि पर 90 स्टैट्स। आप चले गए क्या? अच्छा वो हाँ, किसी को भी डाउट है कमेंट में डालो, कमेंट में आप क्वेश्चन डालो, विल पोएटिस का खुद ही रिप्लाई देंगे उसका। सो प्लीज आस्क द डाउट्स, हां मैं बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये इसलिए करा जाए क्योंकि भाई सबका आप सपोज करो भाई एक वेस्ली फोफाना था जो लास्ट सीजन लेस्टर में खेला था, तो उसने कम मैचेस खेले थे क्योंकि वो इंजर्ड हो गया था, और आपको कंपेयर करना है सालिबा से उसको, और सालिबा ने 36 मैच खेले थे मार्सेल में। True. तो कौन सा बेस्ट डिफेंडर है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर उसने 7 मैच खेला और 7 मैच में अच्छा खेला है फोफाना ने, तो ऑब्वियसली उसका नंबर हाई जाएगा। ठीक है, हम बोलेंगे यार और मैच खेलता तो क्या पता, लेकिन हम उसको 90 पर 90 में अगर लेके आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना डिफरेंस है और कितना हो सकता था आगे पीछे। तो वो चीज़ है, तो पर 90 एक सेम मेजर देता है मैट्रिक, मतलब सेम मेजर देता है कि कितना हम दोनों को मेजर कर पाए, मतलब कंपेयर कर पाए। तो ये बात होगी। अब एक्सपेक्टेड असिस्ट पर जैसे पासिस बढ़ेंगी तो क्या एक्सपेक्टेड असिस्ट भी बढ़ेंगी? तो यहाँ पर खाली ब्रूनो है, ओनली ब्रूनो, एक ही बंदा पूरा अटैक हमारा बनता है इसी बंदे। चलो चलो ये खाली ब्रूनो ही है एक्चुअली। अरे वो लकी है जो कैसे मेरे आ गया है, अब कैसे मेरे को देख रहे हो ना, यहाँ पे फ्रेड और मैक्टमिनी कहाँ पे है देखो, और ये हाल थी लास्ट सीजन, ये कैसे मेरे के वजह से एरिक्सन वजह से कुछ तो बन रहा है भाई। अगेन मैं बोलूँगा क्रिश्चियन एरिक्सन में दिखता जाएगा कि आप, मैं हमेशा रिपीट करूँगा क्रिश्चियन एरिक्सन का और खेलता तो आगे बढ़ता, दो होते आपके पास, अभी एक ही बंदा जो क्रिएट कर रहा है, तो कितना प्रेशर है एक ब्रूनो पे, ब्रूनो का प्रेशर रिलीज नहीं किया गया। फाइनल थर्ड पास फाइनल थर्ड अगेन, ये देखो क्रिश्चियन एरिक्सन कम गेम खेला है लेकिन फाइनल थर्ड में बॉल पहुंचा देता है, देख रहे हो आप? यस दोनों अगर ये वाला भी और ये वाला भी बढ़ेगा तो इट्स अ गुड थिंग, बीच वाला बढ़ेगा तो ठीक है डिसेंट डिसेंट। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि पीपीएल मतलब पासेस पेनल्टी एरिया में जा रहे, तो पेनल्टी एरिया के सबसे फास्ट तो जेडन सेंचुरी खेलता है तो जाएगा ही जाएगा हाईएस्ट, कुछ तो करेगा ये इस क्रॉसेस में क्या देखा जाए तो आपके दो प्लेयर जो क्रॉसेस में डेलो डालो एंड लूप सो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे में, क्या प्रॉब्लम है कि डेलो जो है वो अच्छा है व्हेन कम्स टू क्रॉसेस यू नो क्रिएटिंग दोज मूवमेंट्स, बट व्हेन कम्स टू डिफेंस हमने वो देखा डेटा कि डिफेंस में ही इज सो पुअर कि उसके वजह से प्रॉब्लम हो जा रही है। हमें चाहिए दोनों में बैलेंस, मैं हम नहीं बोले कि वन बिसाका ऐसा डिफेंडर हो मतलब कट एंड कट डिफेंडर, या डेलो जैसा एक विंगर वाला परफॉर्मेंस दे जैसे अपना टीएए देता है, एक बीच का बैलेंस जो कि आई एम श्योर टेन हैग हैज टू डिसाइड बिटवीन डेलो एंड एडब्ल्यूबी, दे बोथ कैन प्ले, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट, वही आपको एक बैलेंस वाला प्लेयर चाहिए। वैन बिसाका सबसे ज्यादा खेला है ना, डेलो डेलो से ज्यादा खेला है ना, देखो क्रॉस से जा ही नहीं रहा, यूज ही नहीं हो रहा, यस क्रॉस से यूज ही नहीं हो रहा उसका, वही दिक्कत है। और उसकी पोजीशन प्ले में जब 3-1 and 5 आगे जाते हैं तो वहां पे आपको नो विंग जो विड्थ विड्थ देने वाला जो है फुलबैक्स है, फुलबैक्स को विड्थ देना है, ये आप पेप नहीं है कि आके के साथ या आकांजी के साथ आप अटैक बना लेते हो, वो टैलेंटेड मैनेजर है टेन हैग क्लॉप, उनको विंग जो है सप्लाई देना पड़ेगा नहीं तो गोल नहीं होगा भाई। और जेम्स वाई सो क्रूशियल टू चेल्सी, दैट सेज इट ऑल, वो दोनों कर लेता है। हाँ, इंजर्ड रहता है।
शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन पड़ेंगे बट तो जो आया है वो अच्छा है बाय द वे, जो आपके पास आया है ना वो बंदा ही इज वेरी गुड। मालूम गुस्तो उसका डेटा देखो आप, गुस्तो का सब अच्छा है। हां बट फार्मर लीग में खेला है सो वो देखना है यहां पे आके वो रेप्लिकेट कर पाएगा नहीं, बट भाई बंदे में दोनों है, वहां से डिफेंडर अच्छे निकलते हैं ये बात है फार्मर लीग से। आवाज आ रही है? यस यस आई कैन हियर यू। हां यस आई कैन हियर यू। हां बोलिए बोलिए। डिफेंडर अच्छे निकलते हैं वहां से। हां वहां से डिफेंडर अच्छे निकलते हैं आई एग्री, हम देखा भी है। फॉरवर्ड थोड़े खराब हो जाते हैं। या आपको थियागो सिल्वा मिला है, अच्छा मिला है सलीबा एक, अच्छा मिला है थियागो सिल्वा एक, है ऐसे अच्छे डिफेंडर मिले हैं वहां से, कोई डाउट। टॉडी वो भी अच्छा खेल रहा है, इवन मिडफील्डर भी ठीक मिल जाते हैं, बट हां स्ट्राइकर में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वहां पे ज्यादा हाई स्कोर दिखता है। पेपे था बहुत से लकाजेट पेपे डिसेंट है, चलो इतना खराब नहीं था। लेकिन जो अभी टॉप स्कोरर है वहां का लीग वन का, लेकिन यहां पर कैसे क्या कर रहा था वो हमें पता ही है। इवन बुंडेसलीगा से भी सेम हाल है, फॉरवर्ड अच्छे नहीं निकलते। ट्रू आई वरी फॉर एनकुंकू। तो यहाँ पर हाँ शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन बढ़ रहे हैं, गोल क्रिएटिंग एक्शन बढ़ रहे हैं क्या? तो शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शन तो एक देखो नंबर 8 आपका बना रहा है, आई थिंक नंबर 8 ही है, नंबर 8 नंबर 10 खेलता है दोनों। लेकिन सेंचो यहाँ पर थोड़ा डिसेंट काम कर रहा है, ये डिसेंट काम कर रहा है या हाँ उसका ये भी हाई है, वन ऑफ द हाईएस्ट है और ये भी हाई है, तो एटलीस्ट चलो उसने एक काम करके दिया, डिसेंट कर रहा है, या फिर हमें ये बोले या फिर चलो हाँ डिसेंड कर रहा है, क्योंकि हम क्रिटिकल होंगे इस बात के लिए। अब प्रोग्रेसिव कैरीज और प्रोग्रेसिव कैरीज और डिस्टेंस, तो हमें पता चल जाएगा कितना कौन कहाँ कैसे जो भी है, मतलब कितना ज़्यादा फर्दर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। राइट एंटोनी सांचो लीडिंग बिकॉज़ विंगर जो है रन कर रहे हैं वाइड में, हाँ ये लीडिंग है, लेकिन यहाँ पर 150 से कम है इनका, मतलब ये फ्रंट पे ही है, मतलब ये फाइनल थर्ड वाली काम है बस, अगर ये भी तो ये एटलीस्ट 150 के पार होते, लेकिन वो क्यों करेंगे कि जब वो आगे खेलना होगा तो ये तो समझ में आता है। नाउ ये आपके लिसेंडो मार्टिनेज राफेल वरान एंड लुक शॉ, ये दिस इज ए प्लस थिंग कि आप बैक से भी कैरी करके बॉल लेके आ सकते हो और अपने बिल्डअप में काम, मतलब बिल्डअप में आप वो दे सकते हो, क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट, एंड दे आर कॉन्फिडेंट विद द बॉल, इसलिए आपको दिख रहा है कॉन्फिडेंट विद द बॉल, दे लव टू हैव द बॉल, दे डोंट फियर आउट द बॉल। ट्रू ट्रू इवन विक्टर विंडलॉफ वी शुड नॉट सेल, इसमें मैगवायर का नाम नहीं है, आपने हटा दिया क्या, बेइज्जती होगा ऐसे, नीचे में हो गया, नहीं नीचे में है क्या, पूरा नीचे में, नहीं बताता हूं इसमें जो मिनट पर 90 है उसको मैंने 8 लिया है, तो मिनट पर 90 मैगवायर का कम होगा, 8 से कम होगा, तो इसलिए वो सारे प्लेयर हट गए, क्योंकि फिर बहुत सारे क्या हाल है, क्या हाल है हमारा कप्तान है भाई, उसका फिगर ही नहीं रखे पॉइंट स्किल्स में, इतना उसको बेइज्जती करे इसका, उसको खिलाया भी ना 8 से कम है उसका, डिजर्व इट, कैरीज इन फाइनल थर्ड बढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रेसिव कैरीज बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एंथनी ओनली हमें काफी कैरी करके देता बॉल एंड सेंचो, चलो सेंचो के हमने जो हमने इतना क्रिटिकल हो रहे थे वो अब थोड़ा नलीफाई हो रहा है उस चीज को, नाउ कैरीज इन पेनल्टी एरिया सबसे ज्यादा जेडन सेंचो काम कर रहा है, दिस इज अ गुड थिंग कि कैरीज में यूज हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं, वही तो है, ये भी थोड़ा कैरी कर लेता है, बट फाइनल मूव जो बॉल होता है, जो फाइनल बॉल होता है जो स्ट्राइकर को या जो भी यू नो गोल के पास है, बिकॉज़ ही इज नॉट अ प्रोलिफिक स्ट्राइकर सांचो, हमने देखा है बोसिया डॉर्टमंड में कि वो प्रोलिफिक स्ट्राइकर नहीं, ही इज ए क्रिएटर, ही इज अ रियल क्रिएटर, वो विंग में क्रिएट करता है साने के जैसा, साने कभी भी एक यू नो स्कोरर नहीं था, वो प्रॉपर विंगर, तो वही उसका काम है कि प्रोग्रेस करके लेके जाए, बट कितना वो स्ट्राइकर को दे रहा है वो अपने को देखना था, और हमने देखा भी है कि कभी होता नहीं है, विजुअली हमने देखा ये कितना कितना मतलब कितना सक्सेसफुल है उस चीज में, ये नहीं पता हमें, ये वाला तीन चार हटा देना क्योंकि फिर काफी हम लंबा हो जाएंगे, और टेक ऑन अटैम्प्ट पासेस रिसीव करते हैं तो क्या कितना टेक ऑन अटैम्प्ट करता है, मार्कस रैशफोर्ड जेड सेंचो एंथनी, अब पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कितना होते हैं। राइट तो ठीक है डिसेंट नंबर है, डिसेंट है कौन सा 90 डिसेंट नंबर या, पर हमें पता है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ना जो लास्ट के दो है ना, लास्ट के जो कॉर्नर में दो है ऊपर के, वो एरिया में हमें होना चाहिए,
हम मैनचेस्टर यूनाइटेड हम टॉप थ्री टॉप फोर में रहना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे क्लोज डाउन नहीं होना चाहिए कि हम बस प्रोग्रेसिव रिसीव हो रहे हैं, अब आगे नहीं। टेकॉन में देखो, टेकॉन में ज़्यादा नहीं है हमारा, टेकॉन सक्सेसफुल में आप देखोगे हम ज़्यादा नहीं गए हैं, हम पीछे पड़े हुए हैं, राइट। ऊपर जाना है हमें, हमें हाईएस्ट लेवल पे जाना है, तो उसी की वजह से दिक्कत हो रही है। दो से नीचे है, हमें तीन साढ़े तीन के बीच में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 90 मिनट्स में, हर पर 90 मिनट्स में आप दो ही सक्सेसफुल टेक ऑन कर पाते जब आपको प्रीमियर लीग में, इफ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड यू वांट टू बी टाइटल कंटेंडर। सॉरी बॉस, मिस कंट्रोल्स कितने होते हैं अब ये पता चल जाएगा। प्रोग्रेसिव पास रिसीव होते मिस कंट्रोल आ गया। चलो ये मार्कस एशफोर्ड भी है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा मिलता है, ये भी बात है। लेकिन अब ये देखो, ये हम बात करें प्रोग्रेसिव पास रिसीव में 8 से 7 के आसपास है मार्कस एशफोर्ड, अब 9 के आसपास है जेरल सैंचेस, बट अगेन 2.5 के अंदर है हम लोग मिस कंट्रोल में। लेकिन वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना कि मिस कंट्रोल कम रहे, नीचे जाना है ना, नीचे जाना है ना हमें, और जाना है ना। नहीं नहीं, ये हम एक के दो के बीच में रहना है। हाँ, आपको एक को दो के बीच में रहना है हमें। हाँ। अब डिस्पोजर्स में भाई कौन है सबसे ज्यादा? स्कॉट मैकटोमिन में जो नंबर 6 है, जो कि रहना नहीं चाहिए इतना ज्यादा, और राशफोर्ड है। हाँ, मैकटोमिन है हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्यों सब लोग गैरी नेविल या जो भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के लीजेंड गाली क्यों देते थे, we don't want McTominay and Fred in the middle, and that says it all why the data is saying data bol raha hai. ab ye dekho Antony and Jadon Sancho ko thoda compare karna hai isme bhi aur miscontrols mein bhi, to ye dekho ye kam hai, ye kam rehna chahiye aur ye zara badhna chahiye, ab ye badh raha hai Antony and Jadon Sancho ka, lekin miscontrol ye bata raha hai ki aapka right se aapko ek surety milti hai but left side se hil jate hai. same goes here. this position mein dekho Antony point ke point wali point 1 से भी नीचे है, 0.5 के आसपास है। ये देखो जेडन सैंचो 1.2 1.3 पे है। या मतलब आपको विंगर को ही तो देंगे सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पासेस। हां, विंगर ही मिलेगा, विंगर आपको मिस कंट्रोल कर रहा है, तो ये आप जो हम बात कर रहे थे, जो हम वापस गाली फिर अटैक में वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, विंगर जब मिस करेगा वो अटैक में मूवमेंट हो जाएगा, और फिर राइट बैक फुल बैक जो भी फुल बैक रहेगा वो प्रेशर में आ गया, फिर डेलो आगे चढ़ेगा कहां, उसको तो उल्टा उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। या सेम टू लुक्स हो राइट, अब पोस्ट शॉट एक्सजी बढ़ता है तो क्या गोल अगेंस्ट कम होता है, तो ये तो ठीक चीज है, अगर ये बढ़ता तो डेविड डे भाई, लेकिन शॉर्ट स्टॉपर है तो ये तो पता चल रहा है कि शॉर्ट स्टॉपर पर अच्छा है डेविड डे। यस यस, नाउ सेम गोस पासेस कंप्लीटेड में, एवरेज लेंथ ऑफ पासेस इसकी 32 आसपास के आसपास है, और यहां देखो ये तो एडरसन है भाई, जैसे एडरसन है कंप्लीटेड भी सक्सेसफुल रहेंगे, एलिसन एडरसन ये सब रहेंगे यहाँ पर एलिसन एडरसन, तो ये तो नहीं, ये तो पड़ी पर मतलब बनी बनाई बात को हमें पता ही है कि भाई क्यों ये डेविड डेया यूज नहीं होता। सोमर के लिए जा रहे हैं आप लोग? यस यस यस, वी आर गोइंग। तो ये तो हो गया दोनों। सो आई थिंक आप लोगों ने मोस्टली देख लिया कि कौन से प्लेयर कैसा खेल रहा है, कहाँ पे लैकिंग हो रही है, कहाँ पे हमें काम करना है, और यही बात दिख रहा है टोटल टीम परफॉर्मेंस में भी कि भाई हमारी नो फिनिशिंग पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, हम बॉल कंट्रोल नहीं है, बॉल डिस्पोज कर लेते हैं, हमारी डिफेंस कैरी कर नहीं पाती है, हमारे एरिक्सन ब्रूनो को छोड़ के कोई प्लेयर नहीं है जो यू नो अटैक में हेल्प करे ज़्यादा, एंड ऑल रेस्ट फॉर दैट्स इट। आप एक प्लेयर के ऊपर नो पूरी गेम पूरी सीजन थोप नहीं सकते, यू नीड मोर देन दैट। ये सब या ये सब चीजें जो हैं पॉइंटी स्किल्स से हमने हमको समझाया और बताया। बाय द वे, व्हाट इज योर टेक ऑन यू नो यू हैव एनालाइज्ड ऑल द डेटा एज अ चेल्सी फैन, व्हाट डू यू सी दैट थिंग्स शुड नीड टू बी वर्क आउट फॉर टेन हैग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड? मतलब जैसे ब्रूनो की बात करिए, ओनली वाइज ओनली ब्रूनो इज कंट्रीब्यूटिंग इन दैट सम स्टैट्स, ठीक है, एटलीस्ट उसके साथ दो प्लेयर और यस दो मिडफील्ड के हैं, एटलीस्ट अपन एक दो नंबर सिक्स ला दो ना, तो एक नंबर सिक्स जो हाँ एरिक्सन होता तो वो बातें कुछ चेंज जाती, लेकिन वो और बढ़े और फुल बैक्स कंट्रीब्यूट करें अटैक में जो नहीं दे रहे राइट से और लेफ्ट से। मेरे ख्याल से मलेशिया भी अब नहीं कर पाता, और मलेशिया तो हमने बात ही नहीं करी मलेशिया की एक बार भी, आधा दिन तो इंजर्ड रहता है। और लेफ्ट बैक भी नहीं है, मतलब लुक शॉ, अब तो लुक शॉ सेंटर बैक खेल रहा है,
दूसरा लेफ्ट विंग से जो गेम नहीं चल पा रहा, मतलब लेफ्ट विंग जो आपका जेडू सैंचो लेफ्ट विंग खेलता है तो वहाँ से प्रिसीजन नहीं है। एंट्री जितना काम करके दे रहा है उतना उसका आधा भी काम, मतलब उसका 50% भी या 60% जेडू सैंचो करके दे तो बैलेंस हो जाएगा। और हाँ क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से एक प्लेयर और लेना चाहिए, मतलब रैशफर्ड को लेफ्ट खेलना चाहिए और एक स्ट्राइकर के लिए जाना चाहिए यूनाइटेड को, नॉट अ टारगेट मैन जो काइंड ऑफ फॉल्स नाइन में भी हैरी केन अगर कतार लिया जाते हैं तो वो विंगर जो दोनों है ना बहुत मतलब क्या कहते हैं अच्छे से करवाएगा और काफ़ी कंट्रीब्यूट करा पाए, ऐसा प्लेयर चाहिए। हैरी केन फॉल्स नाइन जो बेस्ट प्लेयर है, बेंजिमा आता है वो तो बात पता हो जाती है, हैरी केन आता है, जीरू इवन जीरू ऑल्सो इवन जीरू यस, तो ऐसा कोई ऐसे टाइप का प्लेयर चाहिए, या तो अब क्या कहते हैं स्काउट करके लेके आओ या फिर वो करके लेके आओ या फिर पैसा फेंक दो। ना यही है पॉइंट एंड मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि एक फुलबैक में डिसाइड करना पड़ेगा डेलो एंड एडब्ल्यूबी व्हिच वन यू नीड और टेन हैग। आपको डेलो रखना है तो डेलो का डिफेंस सुधारो, और आप सुधार नहीं सकते अभी इतना 25 साल का हो गया सुधरा नहीं तो अब नहीं सुधरेगा। और एडब्ल्यू से आप यू एक्सपेक्ट नहीं करोगे वो अटैकिंग में खेलेगा, तो एडब्ल्यू का बैकअप रख सकते हो क्योंकि बड़े बड़े टीम के अगेंस्ट में फैंटास्टिक। एम्बापे को रोकना है, यू कांट गो विद एनी अदर फुलबैक, इट शुड बी एडब्ल्यूबी ऑन एनी गिवन डे। ईएफएल में स्टैंड मैक्सिम को रोका था सेकंड, कर लेगा वो, हाँ वो कर लेगा। बट हाँ अटैकिंग में आपको एक बैलेंस वाला प्लेयर लेना है जो हर दिन वो आपका स्टार्ट करे, और एक आपको सेंटर बैक लाना पड़ेगा क्योंकि वैरन और लिचा के ऊपर पूरी तरीके से आप डिपेंड नहीं कर पाओगे, और वैरन को बड़े प्लेयर की तरह या और एक बॉल प्लेइंग कीपर चाहिए, और एक एरिक्सन का भी एक नो बैकअप या अपग्रेड दोनों में कोई भी हो जाइए। हम वीडीबी से नहीं खेल सकते और ब्रूनो अकेला हर मैच 50 मैच नहीं खेल पाएगा, वो खेल रहा है अच्छी बात है बट कब इंजर्ड हो गया 10-15 मैच गया हमारा गेम खत्म हो जाएगा। एंड वी नीड ए स्ट्राइकर, और वो ऐसा स्ट्राइकर नहीं चाहिए लुकाकू के टाइप, लुकाकू या विक्टर ओसिमन टाइप, नीड ए स्ट्राइकर हु कैन गेट इन्वॉल्व इन द गेम, ही कैन ड्रॉप इन द मिडफील्ड गेट द बॉल हमारे ऐसा तगड़ा स्ट्राइकर नहीं चाहिए जो आके बस गोल मारे और गोल के पास खड़े रहे, क्रिएट ही नहीं करने वाले हम लोग क्या कर लगा वो, हमें ऐसा चाहिए जो गेम में इन्वॉल्व हो। ओके गैब्रियल जीसस इज द बेस्ट एग्जांपल, सो वैसा चाहिए हमें। सो यही है मेरा ओपिनियन। वो आपको करना है और चेल्सी yes. जो आप कर रहे हो स्ट्राइकर के साथ वो हमें कर रहे समझ रहे हो yes. हम फॉल्स मैन yes. खिला रहे हैं जो हमें करना नहीं है वो आपको yeah. चाहिए और yes. जो आप टाइगर मैन खिला रहे हो कभी बार वेगास को खिला रहे थे तो yes. वो हमें चाहिए, मतलब वेगास में वेस्ट जा रहा है पता है वो पोजीशन हमारा वेस्ट जा रहा है जब वेगास को खिला रहे हैं, पूरा पोजीशन ही बेकार जा रहा है। अब क्या करेंगे, प्लेयर नहीं है खिलाड़ी खड़ा करने के लिए, एक प्लेयर खड़ा दिए वही है दिक्कत, और रोनाल्डो वो काम कर ही नहीं पाता, दैट इज आल्सो ए प्रॉब्लम। विक्टर ओसिमन नहीं चाहिए, इट विल बी अनदर रोनाल्डो सीन, वी नीड अ गैब्रियल जेसस, हैरी केन, इवन मार्टिनेज, नो दैट लोटारो मार्टिनेज, व्हाट टाइप के प्लेयर्स चाहिए भाई, भाई क्या खेलता है भाई, क्या इन्वॉल्वमेंट है भाई, वो राइट बैक के पोजीशन से बॉल लेके आएगा, इतना ऑब्वियसली अर्जेंटीना वाला है, मेहनत वाला है बंदा, ऐसा नहीं कि खड़ा रहेगा। सो या आई हैव टू सी हैरी केन हियर, लेट्स सी क्या। सो थैंक यू पास्कल्स फॉर योर ऑल द हार्ड वर्क यू हैव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड यू पुट ऑल द डेटा एंड कनेक्टेड दोस डेटा टू द टीम परफॉर्मेंस एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनटू वन सिंगल वीडियो, इट हैज बीन फैंटास्टिक। एंड गाइस क्वेश्चन है पूछो, जो पूछना है पूछो, कुछ समझ में नहीं आया पूछो, ही विल रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स, एंड ऐसे ही हम देखना है तो प्लीज आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है पोएट्री स्किल्स को एंड प्रोफेसर यूनाइटेड को भी अगर नहीं किया तो बिल्कुल करें, क्योंकि किसकी बात करी हमने, यूनाइटेड की बात करी और अब यूनाइटेड वाले को फॉलो नहीं करें, yes. इतना डीप में हम किसके चैनल पर जा रहे हैं यूनाइटेड को, तो यूनाइटेड yes. आपको शायद इतना डीप में टेक्टिकल एनालिसिस वो क्या कहते हैं इवन यूजिंग दैट मैट्रिका आप यूज़ करते ना मैट्रिका सॉफ्टवेयर जो मतलब टेक्टिकल एनालिसिस यूज होता है, तो वो यूज़ करके आपको वीडियो दे रहे हैं, तो शायद जो बड़े बड़े आपके फुटबॉल मेट सिंपल ये टाइप के लोग जो करते हैं वो आप इंडिया के प्लेयर इंडिया का बंदा करके दे रहे हैं, तो वो भी बात आ जाती है, एटलीस्ट यूनाइटेड का तो करके दे रहे हैं, बाकी मैचेस से भी करते होंगे
लेकिन करेंगे, आप डालोगे, आप बोलोगे, मतलब यू गाइस यू नो गिव दैट मोटिवेशन, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन राइट, इट्स ऑल अबाउट यू गाइस, वी आर डूइंग फॉर यू, इफ यू लाइक इट, इफ यू कंट्रीब्यूट फ्रॉम योर साइड, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, वी विल गिव आवर ऑल डे एंड नाइट फॉर यू, बट वी नीड समथिंग टू चीयर अप. चलो चलो देन, टेक केयर गाइज, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, बाय.